फॉरेस्ट जो है चैप्टर नंबर 4 हमारा, प्लांट्स या ट्रीज इंडिविजुअली कहीं पर हो तो वो तो फॉरेस्ट्री पूरी नहीं बनती, कंटिन्यूअसली कहीं प्लांटेड हो तो वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। और द डिजायर्ड लेवल ऑफ फॉरेस्ट इज 20-30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री। एक मुल्क का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए? 20-30%, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 4.8%। 4.8% एरिया ऑफ पाकिस्तान इज मतलब डोमिनेटेड, डोमिनेटेड तो कह ही नहीं सकते, फैल इसमें जनरल डेंसिटी जो है पाकिस्तान के जो भी फॉरेस्ट की है वो, इनफैक्ट डेंसिटी भी नहीं कहना चाहिए, डेंसिटी का मतलब किसी एरिया के अंदर कोई चीज कितनी तादाद में मौजूद है। पाकिस्तान के टोटल एरिया का 4.8% जो है वो ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट, बहुत कम है ये। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होता है और नॉन प्रोडक्टिव कह लो, चलो प्रोडक्टिव वो होते हैं जो जिनको काट के उसका कोई कमर्शियल यूज होता हो या उसमें से फूड निकलते हो, इस तरह की कोई भी चीज है। ठीक है, जो हमें हमारी जिंदगी के अंदर कमर्शियल वैल्यू दे, कमा के दे किसी किस्म का, या हमारी कोई इकोनॉमिक नीड पूरी करके दे। ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल नीड जैसे हमारी खुराक पूरी करके दे, तो फ्रूट्स होते हैं ट्रीज के ऊपर। ठीक, जबकि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट वो होते हैं जो हमें किसी ना किसी हैजर्ड से बचाते हैं। और इनका एक और जो है ना प्रोटेक्शन फॉरेस्ट का एक और फीचर ये भी है, कह लो कि एक सीनिक ब्यूटी देते हैं एक मुल्क को, तो वो प्रोटेक्ट आपको अगर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट में तो सिर्फ बचाव वाली चीज आनी चाहिए, प्रोटेक्शन का लफ्ज ऐसा इसमें ब्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो भाई ठीक है आप इसको प्रोटेक्शन किया। नॉन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कह दो, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव इन व्हाट मैनर, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, जबकि नॉन प्रोडक्टिव कौन से हैं जो कि हमें कमर्शियल वैल्यू नहीं बल्कि किसी किस्म की प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, जो जो किसी चीज की प्रोटेक्शन देती है या सीनिक ब्यूटी फराम करती है वो भी एक तरह से प्रोडक्टिव है। उसकी वजह है कि अगर आपके मुल्क में सीनिक ब्यूटी है, आप ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सीनिक ब्यूटी फराम कर रहे हैं, तो टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे तो आपको कमर्शियल वैल्यू मिलेगी ना, आपके मुल्क में लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो कितनी आपकी इकॉनमी रन होगी उससे। तो ये तो मतलब एक ऐसा है कि बस समझ लो यू क्लासिफाई किया हुआ वो फॉरेस्ट जिनको हम कट डाउन करते हैं या जिसमें से फ्रूट्स अहस करते हैं तो वो वाले प्रोडक्टिव है, जबकि दूसरे बाकी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट है। ठीक है, एक सिंपल डिविजन बनाया। तो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, ठीक है, बिलखुसूस टिम्बर और प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स वहां से निकलते हैं, टिम्बर लकड़ी, सही, टिम्बर होती है लकड़ी, और इस टिम्बर के अलावा अदर प्रोडक्ट्स भाई फॉर आपके दरख्तों की छालों से दवाइयां बनती है, दरख्त की छालों से अलग अलग मटेरियल्स बनते हैं, दरख्त के अंदर के पल्प से पेपर भी बन जाता है, तो बड़ी चीजें बनती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा काम है, इसमें से ग्लू केमिकल्स वगैरह बहुत सारे किस्म के बन सकते हैं दरख्त को काटने से। ओके, तो सेवरल यूजेस, दरख्त के पत्तों के सेवरल यूजेस हैं, उनको दरख्त को काटते हैं उनको पत्तों का अलग इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी है यूज। तो एक तो ये वाला यूज होता है कि आपने कुछ चीज तोड़ी लेकिन सस्टेनेबल यूज है, मतलब वो दरख्त अपनी जगह पर है, उसके कोई फल तोड़ दिए तो दोबारा फल दे देगा। एक है दरख्त ही पूरा काट दिया, तो दरख्त पूरा काट देते हैं कब, जब लकड़ी की जरूरत होती है, टिम्बर चाहिए होता है, दरख्त काट दिया, सही, और टिम्बर किस लिए चाहिए होता है फिर वो अभी हम आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या करते हैं, दीज फॉरेस्ट आर मेनली प्लांटेड बाय द पीपल एंड यूजुअली लीनियर, दे इंक्लूड एमिनिटी प्लांटिंग अलोंग रोड्स इन पार्क्स एंड अलोंग रेलवे लाइंस। कैन यू सी दैट, आ रहा है आपके पास इस पे? ठीक है, द प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हैव लिटिल कमर्शियल वैल्यू बिकॉज मेनी ऑफ देम डू नॉट सप्लाई वैल्यूएबल स्पीशीज ऑफ वुड। स्पीशीज मतलब इकसाम, वैसे स्पेशीज कहलाते हैं कि ह्यूमन भी या किसी भी लाइफ की इकसाम, लाइफ क्या क्या है हमारी, मतलब बड़ी डाइवर्स है बायोडाइवर्सिटी, किसके ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांटेशन मतलब वो ग्रीन लाइफ है समझ लो कह लो, तो वो हमारे लिविंग थिंग्स में से की जो इकसाम है ना वो स्पेशीज कहलाती है। ठीक है, अब ह्यूमंस एक स्पेशी है, कितने किस्म के और जानवर होते हैं, पौधों में कितने किस्म के पौधे होते होंगे, तो सारे अलग किस्म के पौधे अलग अलग स्पेशी कहलाते हैं। सो स्पेशीज ऑफ वुड, अलग अलग इकसाम के लकड़ियां आप हासिल कर सकते हो कमर्शियल फॉरेस्ट को बेचकर, लेकिन प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की इतनी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, क्योंकि उनसे हम कोई बहुत सारी किस्म की चीजें बेचने के लिए नहीं अखज करते, बल्कि उनका मेन फंक्शन है कि आपके सॉइल को बचाए इरोजन से किसी किस्म के, अगर आपके दरख्त कहीं पर फॉरेस्ट्री लगी हुई तो से वाटर फ्लो डाउन स्ट्रीम होगा, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसी जगह, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसी जगह, अक्सर मैं क्यों कहता हूं, पाकिस्तान की टोपोग्राफी कैसी है, ढलान में नॉर्थ से साउथ की तरफ एल्टीट्यूड जो है लो होता चला जाता है, नॉर्थ नॉर्दर्न एरियाज का एल्टीट्यूड हाई है और उसके बाद लो होता चला जाता है, ठीक है, प्लेन प्लेन एरिया तक आ रहा है, बल्कि बेसन नुमा बन रहा है, गड़ा नुमा भी बन रहा है। एनीवेज, तो पाकिस्तान जैसे एरिया में जहां पर वाटर फ्लो डाउन टुवर्ड्स द साउथ है वहां पर बड़ी वैल्यू है फॉरेस्ट की, उसकी वजह यह है अगर फॉरेस्ट ना हो बीच में तो वाटर फ्लो आसपास से पूरा सरफेस को रन ऑफ करता चला, तो कहीं कोई अगर फॉरेस्ट्री ना हो पानी के फ्लो को तोड़ने के लिए, डैम्स भी ऐसे सच नहीं है हमारे पास, तो वो जो वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स होगी वो इतनी तेज होगी कि आपके सारी क्रॉप्स वगैरह को तबाह कर देगी, आपकी कोई जमीन जिसके ऊपर वाला सरफेस फर्टिलाइज्ड है तो उसका सरफेस रन ऑफ हो जाएगा पानी के साथ, पानी में पीने लायक नहीं रहेगा, मट्टी मिल जाएगी उसमें, सिल्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, तो फ्लडिंग हो जाएगी,
घर तबाह हो जाएंगे कि अगर बहुत बहुत प्रेशर से पानी फ्लो डाउन हो रहा है, बड़ा नुकसान दे पाकिस्तान जैसी जगह के लिए फॉरेस्ट का ना होना, क्योंकि फॉरेस्ट जितने भी हमारे दरख्तों की पूरी जगह बनी हुई है जहाँ पर दरख्त आबाद है, फॉरेस्ट भी बनी हुई है, जितने भी जंगल टाइप की जगह, वो फ्लो तोड़ते हैं वाटर का। तो यहाँ पर कुछ इनके यूजेस लिखे हैं और वो यूजेस समवेयर यहाँ भी लिखे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। तो आप ये यूजेस देख लोगे, जैसे कि आपका हैबिटेट किसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ जहाँ रहती है वो हैबिटेट कहलाती है। अब वाइल्ड लाइफ हटा दो इसमें से, लाइफ कह लो, जहाँ लाइफ अपना घर बनाते हो वो जगह उनके लिए हैबिटेट है, जहाँ सेटल होती है लाइफ वो हैबिटेट है। तो ह्यूमन बींग्स का भी हैबिटेट है और एनिमल्स का भी है और फॉरेस्ट का भी है। और सिनेरियो ये है कि जो तमाम है ना ह्यूमन बींग्स एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को अलग ही रखते हैं, तो साथ भी कर सकते हैं अगर कोर बायोलॉजी की नजरिए से देखें, लेकिन इसको अलग रखते हैं। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और आपके जितने भी ग्रीन लाइफ है जितनी भी, तो वो अलग अलग इनके हैबिटेट्स। और सबकी बात यह है कि ह्यूमन बींग्स अपना हैबिटेट एक्सटेंड करते हैं तो एनिमल्स और प्लांट्स का खत्म हो रहा होता है। अगर एनिमल्स और प्लांट्स को कंट्रोल ना करें ह्यूमन बींग्स, तो उनकी आबादियां बढ़ जाए, सही है। अगर प्लांटेशन को रोकने वाला कोई ना, कंट्रोल करने वाला ना हो, तो प्लांटेशन इतनी फैल जाए, जैसे प्लांट्स ही कहां से, ऐसा होता है ना कि जिन जगहों के ऊपर लोगों की सेटलमेंट्स नहीं है, वहां बारिशों से कितनी जंगली घास और जंगली पौधे हम कहते हैं जिन्हें, वो उगते चले जाते हैं। तो हैबिटेट किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन वी आर इन अ वर्ल्ड राइट नाउ कि जिसमें सबका हैबिटेट तबाह हो रहा है एक साथ, ठीक है, बिकॉज इट इज बींग ओवरकम बाय या तो बहुत खुश्की या बहुत ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी हो तो फ्लडिंग, बहुत ज्यादा खुश्की हो तो लैक ऑफ वाटर, ठीक है। तो हैबिटेट का मतलब खैर रिहाइश, रहन सहन, किसी रहने की जगह हैबिटेट कहलाते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट, जंगली हयात के लिए नेचुरल जो जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उसको कहते हैं जंगली हयात, जंगल की जो भी है जितने भी लाइफ है उनके लिए रहने की जगह है फॉरेस्ट, ठीक है। सॉइल इरोजन को रोकती है, चेक पॉल्यूशन एंड क्लीन द एनवायरमेंट। अभी चेक पॉल्यूशन एंड क्लीन द एनवायरमेंट इससे क्या मतलब, ठीक है। गैसेस भी आपकी जो है ना, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं समझ लो हमारे जो प्लांट्स हैं, और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, इनहेल एक्सहेल नहीं होता उनका, ठीक है, एब्जॉर्ब एमिट होता है उनका। इसके अलावा पॉल्यूशन को चेक रखते हैं, मतलब इससे मुराद ये कंट्रोल, चेक का एक मतलब है कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, आपके एयर को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, ये सारी इसके यूज वो बता रहे हैं, फायदे बता रहे हैं। आपकी वाटर सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। अभी प्लांट्स वाटर सप्लाई को कैसे रेगुलेट करते हैं, प्लांटेशन हुई हुई है ना जिन जगह पे, वहां से तो वाटर फ्लो टकरा के अपनी कोई जगह बनाएगा जहां पर प्लांटेशन कम है, सारा टकरा के पानी वहीं जमा होकर फ्लो होता रहेगा, तो वहां से फ्लो होते 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 पानी अपने कैनाल्स की सूरत बना ले। तो ऐसा नहीं कि हर जगह से पानी फ्लो हो रहा हो, हर जगह से सरफेस रन ऑफ होने की बजाय, अब मिसाल के तौर पर बारिश का पानी फ्लो हो रहा है, बारिश का पानी फ्लो हो रहा है किसी एक प्लेन एरिया में, उस प्लेन एरिया में हम बहुत सारे दरख्त उगा दे कहीं ना कहीं, तो वो सारे दरख्त से उनका फ्लो टकराएगा, टकरा के इधर उधर होते होते सारा पानी उस तरफ जमा होकर फ्लो होना शुरू हो जाएगा जहां पर कम दरख्त है, सही। और वो वहीं से जब सारे पानी का गुजर होना शुरू होगा तो गुजरते गुजरते पानी वहां पर एक गड़ा नुमा बना लेगा, कैनाल नुमा बना लेगा नेचुरली, तो अपना पानी नेचुरल पैसेज बना लेता है। तो इस तरीके से वाटर का फ्लो जो है वो दरख्त रेगुलेट करते हैं कि दरख्तों की साइड से पानी टकराता इतना इजीली नहीं जाता, टकरा के डायरेक्शन चेंज करता पानी और उस तरफ जमाव के फ्लो होता है जहां पर दरख्त ना हो, तो इस तरह से रेगुलेट करता पानी का फ्लो, ठीक है, और फ्लो को तोड़ता भी है पानी के, मतलब बहुत फास्ट फ्लो में ना चला जाए पानी, और फिर पानी अगर बहुत फास्ट फ्लो में नहीं आया घर भाई तो फिर मसला हो जाएगा, क्या मसला होगा, आगे तक प्रोवाइड नहीं हुआ, चले कह सकते कि यार वाटर फ्लो कम हो तो जो कम स्लोपी एरियाज है वहां तक प्रेशर में नहीं जा रहा, तो फ्लैट एरियाज में पानी खड़ा रह सकता है और कुछ। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो तो उसके लिए वाटर फ्लो चाहिए होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी, लेकिन भाई आप ये तो देखो वो तो उल्टा बन पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी, ज्यादा बन पाएगी, क्योंकि जिस एरिया पर सारे एरियाज के जितनी जगहों पर हमारे फॉरेस्ट फैला हुआ है, जितनी एक बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड मिसाल के तौर पे ये मैं ले लेता हूँ, एक एरिया ऑफ लैंड है पूरा, ठीक है, इस पूरे एरिया से अगर वाटर फ्लो डाउन करे थोड़ा थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो होगा, एक फ्लैट लैंड के अंदर वाटर फ्लो डाउन कर रहा है एक तो बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा और बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो है, सही। अब अगर यहाँ पर इन एरियाज पे हम फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दें, इन एरियाज पे हमने फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिए, फॉरेस्ट लग गए सारी जो है ना फॉरेस्ट्री है, तो अब पानी ऊपर से फ्लो रहा है तो टकरा रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, टकरा रहा है, जहां जगह मिलती है पानी को बन रही है ना, तो वहां पर सारा पानी फ्लो कर रहा है टकरा टकरा के, क्योंकि कंटिन्यूटी बन जाती है ना फ्लोइंग वाटर की, तो दूसरी जगह से पानी भी उसी तरफ आ रहा होता है और यहीं से टकरा टकरा के सब यहाँ जमा हो रहा है, और यहाँ जमा होकर एक साथ फ्लो डाउन होना, जब एक साथ फ्लो डाउन होगा तो आप फिर क्या कर सकते,
सकते हो, आप जिस तरफ फ्लो आपका बन रहा है वहां पर आप डैम बना सकते हो। तो जब डैम बन जाएगा तो वो सारा फ्लो को रोकेगा और एक जगह से एक होल दो तीन होल से निकालेगा पानी को, और उसके अंदर के टर्बाइन घूमते रहेंगे उस फ्लो की वजह से, और क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और वाटर भी एक लेवल तक कंट्रोल रहेगी। और डैम्स के फायदे हमने पिछले चैप्टर्स में देखे, बट यू अंडरस्टैंड राइट। फिर एक फायदा और, अगर फॉरेस्ट्री ना होती, अगर पिछली वाली की सिचुएशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, कि लेट्स सपोज फॉरेस्ट्री ना होती, तो एक बहुत बड़ा नुकसान और होता। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ओके फाइन, यू आर सेइंग समथिंग के प्लांट्स अपना पानी छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर होता है, बिल्कुल वही होती है ट्रांसपायरेशन। तो आपकी ट्रांसपायरेशन जो है, अगर पौधे होते हैं तो ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, अपना एक्सेस वाटर छोड़ते हैं हवा में, लेकिन बहुत सारा पानी पी भी लेते हैं, सही। अगर पौधे ना हो तो सारा जो पानी जमीन पे फैला हुआ है, एक तो फैला हुआ है, एक जगह जमा नहीं है, और ज्यादा फैला हुआ है ना अगर, तो ज्यादा बड़े एरिया से इवेपोरेशन होगी, ठीक है। इवेपोर ट्रांसपायरेशन ये होती है जिसमें इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों शामिल हो। पौधों से ट्रांसपायरेशन, कि पौधों के पत्तों के अंदर से पानी एटमॉस्फेयर में चला जाए तो ट्रांसपायरेशन कहलाए, और इवेपोरेशन की किसी भी सूरत में पानी वेपर्स बन के जाए, चाहे वो पौधों के पत्तों से हो या जमीन से। तो यहां पर ट्रांसपायरेशन, अगर उजैर भाई ये तो एक ही बात होगी, अगर पौधे होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, अगर नहीं होंगे तो इवेपोरेशन होगी। नहीं भाई, इवेपोरेशन तो दोनों सूरतों में होगी, पौधों के पत्तों से इवेपोरेट हो जाए या पौधे ना हो जमीन के ऊपर से इवेपोरेट हो जाए पानी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब पौधे होते हैं तो काफी सारा पानी पौधे पी लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्सेस वाटर होता है वो उसको एक्सर्ट आउट करता है, जो कि वो हवा में मिक्स हो जाता है पानी, राइट। तो मैं आ रही है, अच्छा जी आ जाते हैं हम। तो पौधे होंगे तो हमारी एवेपोरेशन भी कम होगी, बाकी आप पढ़ भी लोगे। अच्छा, अलग अलग किस्म के ट्रीज उगते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर, वो डिपेंड करता है मट्टी के ऊपर, मट्टी किस तरह की है, वो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड कितना है। कुछ होते हैं पौधे जो पानी जैसी वेट जगह पर, जो डीप वेट जगह है, जैसे कि रिवर और सी जहां मिलता है, डेल्टा, डेल्टा और डेल्टा के बाद जो एस्टुएरीज बनी हुई होती है वहां पर उगते हैं, वो मैंग्रोव होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। जबकि बहुत हाइट के ऊपर चले जाए, हाई एल्टीट्यूड पर, वैसे तो यूजुअली फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं करते, बहुत ही जिद्दी किस्म के फॉरेस्ट होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, कहलाते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। अच्छा, अल्पाइन का लफ्ज ना पहाड़ियों से, पहाड़ियों की चोटियों से अल्पाइन का लफ्ज कनेक्टेड है, ठीक है। लफ्ज अल्पाइन का मतलब भी हम डायरेक्टली देख लेते हैं, रिलेटिंग टू हाई माउंटेन्स, अल्पाइन का मतलब रिलेटिंग टू हाई माउंटेन्स। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो आपको ऊंची पहाड़ियों पर 4,000 मीटर के भी अबव नजर आएंगे, जैसे मरी की पहाड़ियों पे, हिमालय की पहाड़ियों पे, जहां भी हमें नजर आता है ना अल्पाइन फॉरेस्ट है। हम अगर कभी टूर पे जाए तो वेट सी के भाई चीड़ के दरख्त है बहुत सारे, दियार के दरख्त है, तो वो सारे अल्पाइन फॉरेस्ट में शुमार होता है, ठीक है। पहाड़ों पे, पहाड़ों के स्लोप पर, ठंडे एरियाज के अंदर वो उगे हुए दरख्त, ऐसे एरिया जहां पर बर्फ भी पड़ती है, तो अल्पाइन फॉरेस्ट। उसके बाद जो है ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। एनीवेज, तो कॉनिफ्रस फॉरेस्ट की भी एक मिसाल है, अल्पाइन फॉरेस्ट के बाद वाले एल्टीट्यूड पे कॉनिफ्रस फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है। और जो मैंग्रोव्स हैं वो कहां पर उगते हैं, वो सी और वाटर वाले एरिया पे उगते हैं। अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं जरा, कि ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर जरा, अल्पाइन फॉरेस्ट ज्यादातर आपको देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज पे, हाईलैंड्स पे, ठीक है। ट्रीज हैव स्टंट, इन ट्रीज की कह रहे जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे ना तो उतनी ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ भी होगी, बहुत ज्यादा इजीली मतलब ग्रो नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत लो एल्टीट्यूड पे उगते हो, ये मतलब ये ऐसे 4,000 मीटर एल्टीट्यूड पे तो अच्छा ही उग जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो है ना फिर इनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर ग्रो नहीं कर पाते, जो इनका पोटेंशियल है उतना ग्रो नहीं कर पाते। और अगर थोड़े से लो लाइंग हाईलैंड, हाईलैंड में ही उग रहे हैं, लेकिन उसमें हाईलैंड में भी जो थोड़े से नीचे वाले हिस्से हैं वहां पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ऊंचे ऊंचे नजर आएंगे, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट ट्रीज हैव स्टंटेड ग्रोथ ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड लेस सनलाइट, जहां पर लेस सनलाइट और टेम्परेचर लो हो तो वहां पर आपको नहीं इतनी ज्यादा ग्रोथ मिलती ना। तो ये अगर अल्पाइन फॉरेस्ट अगर उगते भी हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, तो जितना हाइट पे जाए या जहां पर सनलाइट जो है वो नहीं पड़ती हो और लो एल्टीट्यूड हो और पहाड़ों की तरफ से शेडो मिल जाता है सनलाइट की वजह से, तो उनकी ग्रोथ थोड़ी स्टंटेड रहती है, ठीक है। लेकिन अच्छा, रूट्स स्प्रेड साइडवेज ऑन थिन सॉइल, इनकी रूट्स डीप नहीं जाती बल्कि साइडवेज जाती है, क्योंकि डीप पहाड़, एक तो वैसे ही स्लोपी एरियाज पे उग रहे होते हैं, स्लोपी माउंटेनियस रीजन पे उग रहे होते हैं, तो ये रूट डीप जाके क्या करेगी। दरख्तों की रूट्स कब डीप जाती है, जब उनको पानी ढूंढना होता है गहरा जमीन में जाकर, तो इनको तो वैसे भी जो पानी जिस सूरत में मिलता है ना वो यूजुअली ठंडी बारिश या बर्फबारी की सूरत में मिलता है, जो उनकी जड़ों पर जमा हुआ होता है, तो उसी में से किसी तरह अपनी ग्रोथ को मैनेज कर लेता है, ठीक है। बट दे आर वेरी टफ बिकॉज दे सर्वाइव इन सो टफ कंडीशन, सो दे आर वेरी टफ वुड, बहुत ही टफ लकड़ी होती है इन फॉरेस्ट में, ठीक है। स्टंटेड से मुराद, अगर लो ग्रोथ की बात करें तो ये नहीं कि दिखने में हमें लो ग्रोथ लगेंगे, दिखने में तो बड़ी हाइट पे लगेंगे, लेकिन
इनकी एक जो पोटेंशियल है कि जितना ये ग्रो हो सकते हैं अपनी आइडियल कंडीशंस में, अगर इनको आइडियल कंडीशन ना मिले तो उतना नहीं ग्रो होगा, ये पॉइंट है। तो इनका यूसेज क्या है, ट्रीज हैव स्टैंडर्ड, इनका डिस्क्रिप्शन बता रहे, रूट्स स्प्रेड साइडवेज, अच्छा नॉर्मली अपर ब्रांचेस टू अटेन मोर सनलाइट। इसके अलावा इनकी ब्रांचेस जो है ना साइडवेज और जमीन से थोड़ी ऊपर भी निकली हुई आ जाती है, ब्रांचेस ऊपर की तरफ उखड़ के बाहर भी आ जाती है कि और सनलाइट अगर इन तक मिल जाए। इनके जो इंपॉर्टेंस की बात करते हो, ज्यादातर इनका यूज जो है वो फ्यूल वुड के तौर पर हो रहा होता है या फर्नीचर के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट भी नॉर्दर्न एरियाज में खैबर पख्तूनख्वा, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, चंगला, स्वात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ऐसा लग रहा है बस चला रहा हूँ, मरी, बलोचिस्तान, ये सारे ये एरियाज है जहाँ पर ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट, इन सब के अभी पिक्चर्स देखते हैं हम साथ साथ। ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है सारे, अल्पाइन फॉरेस्ट भी देख लेते हैं, ये अल्पाइन फॉरेस्ट है, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट ज्यादा आपको शायद देखने में फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है। तो ये भी इनके भी शेप्स कुछ इस तरह से हैं कि ऊंचे लंबे, और अल्पाइन की भी कुछ इस तरह से, दोनों कुछ हाई एल्टीट्यूड एरियाज के। अगर मैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट की बात करूं तो वो उनकी भी पीछे लिखा हुआ है कि 1000 मीटर से 4000 मीटर के करीब तक इनकी ग्रोथ का वो है, ये ग्रो हो सकते हैं, मतलब उग सकते हैं। 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की हाइट नहीं बोल रहे, इतना नहीं, 4 किलोमीटर का दरख्त नहीं हो सकता, इतने हाई एल्टीट्यूड जैसे एरिया पे भी उग सकते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। और अल्पाइन फॉरेस्ट तो उसके भी बाद उससे भी ऊंचे, 4000 मीटर से भी मजीद ऊंची जगह पर उग सकते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। इनके बारे में, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, और ये भी कॉनिकल शेप के होते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट भी कॉनिकल शेप के होते हैं, ये भी कॉनिकल कोन टाइप, कॉनिकल शेप क्या होते हैं, कोन की तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। अब आप कहो कि उधर भाई कौन जो है ना हमारी उल्टी होती है, हम तो यूं, तो भाई ठीक है यार डंडी लगा दो, ये दरख्त बना दो, क्या करें, जब दरख्त इस तरह से तो ये इसी तरह का होगा ना भाई, सही, कौन का शेप हमें उल्टी मिलती है। को एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिकल शेप, स्लोपिंग ब्रांचेस विच प्रिवेंट स्नो एक्युमुलेशन, स्मॉल थिक लेदरी नीडल शेप्ड लीव्स। नीडल शेप्ड लीव्स से क्या मुराद होगी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, पॉइंटेड पतले लीव्स होते हैं। अब ये पतले पॉइंटेड लीव्स होते हैं तो इसका फायदा क्या है, ट्रांसपायरेशन कम होगी, एक लंबा पत्ता होगा तो उसमें से ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा एरिया है ना, लेकिन नीडल पॉइंटेड टाइप का लीफ होगा ना तो उसमें से ट्रांसपायरेशन कम होगी, तो वो एरिया के हिसाब से जो जहां रह सकता है ना वही वहां सर्वाइव कर पाता है। वहां पर लैक ऑफ वाटर है, और वो भी लैक ऑफ वाटर होते हुए अगर एक्सेस वाटर, मतलब कुछ अगर एट अ टाइम कोई एक्सेस वाटर ट्रांसपायरेट हो जाए अगर, तो फिर वो सर्वाइवल मुश्किल है ऐसे पौधों का जो ट्रांसपायरेट ज्यादा करते हैं। ये पॉइंटी जो लीव्स वाले होते हैं ना, जैसे कि क्रिसमस ट्री टाइप का ट्री होता है, इसी तरीके से जिसकी मैं बात कर रहा हूं चीड़ का दरख्त, ये वो हैं जिनके पॉइंटेड लीव्स टाइप के, ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस। सो इनके पॉइंटेड जो लीव्स हैं, दे चेक मतलब कंट्रोल एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, और इसके अलावा स्लोपिंग ब्रांचेस विच प्रिवेंट स्नो एक्युमुलेशन। एक और चीज ये कि इनके ब्रांचेस स्लोपी होती है, स्लोपी ब्रांचेस मतलब एक तो वैसे ही स्लोप पे हो गए हुए वो, क्योंकि एल्टीट्यूड जैसे कि डाउनवर्ड जा रहे हैं, और इनकी ब्रांचेस स्लोपी हो रही है, स्लोपी होती है मतलब दरख्त से लेकर नीचे स्लोपी तरीके से जा रहे होते हैं ताकि स्नो एक्युमुलेट ना हो, स्नो कोई भी स्नो फॉल हो तो रोल होकर नीचे की तरफ जमा हो जाए, इनकी ब्रांचेस के ऊपर सारी स्नो ना ठहर जाए। लेस लीफ फॉल पत्ते कम गिरते हैं, पत्ते एक तो होते जिस नौयत के हैं वो, तो क्योंकि अगर पत्ते की डंडी इतनी सी हो और पत्ता बहुत बड़ा हो वो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन एक पत्ता जो उसकी डंडी है उतना ही पतला पत्ता हो अगर, या उससे थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो तो उसके गिरने के चांसेस कम होंगे, ओके। तो लीव्स इनके कम गिरते हैं। अब जब लीव्स कम गिरते हैं तो हमस भी कम क्रिएट होता है। हमस क्या है, हमस HUMUS, ये वो चीज है जब पत्ते गिरते हैं ना, पतझड़ हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं जब दरख्त के, या पत्ते जो भी पत्ते नए या पुराने पत्ते गिर जाए तो वो जमीन में मिल जाते हैं, जमीन को फर्टाइल रखते हैं, ठीक है। ये जो है दरख्त, इनके पत्ते ज्यादा गिरते नहीं है तो ज्यादा हमस भी नहीं क्रिएट होता। तो ऐसी जगह पर जहां ज्यादा हमस ना क्रिएट हो वहां डिफॉरेस्टेशन करना और खतरनाक है, तो इतनी मुश्किल से उगते हैं वाले फॉरेस्ट, वहां पर डिफॉरेस्टेशन अगर आप कर दोगे ना तो वो जमीन को जरखेज काम करने आएगा। एक होता है ना पत्ते खुद दरख्त के उसी के नीचे गिरे हैं तो वही जमीन फर्टाइल ही रहती है, ऐसा भी नहीं हो रहा, ठीक है। इनके यूजेस क्या है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर की बड़ी मतलब फर्नीचर वगैरह जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, दे आर वेरी मच क्लोज टू अल्पाइन फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हायर एल्टीट्यूड में होते हैं, अल्पाइन तो उगते ही हाईएस्ट एल्टीट्यूड में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हाई एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में बहुत किस्म के दरख्त होंगे जो कि 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की बुलंदी में उग सकते हो, बहुत एक्साम होंगे, हमने अभी लिखा भी था नेट पे तो बहुत सारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के एक्साम के दरख्त आ गए थे। तो इनके यूजेस क्या है, टिम्बर लकड़ी मिलती है, अब उस फर्नीचर की लकड़ी भी है, वो फायरवुड भी है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनका बड़ा यूज है, क्योंकि ये फॉरेस्ट लगे हुए तो वाटर फ्लो को रोकेंगे, या फॉरेस्ट ज्यादा होंगे तो वैसे ही वाटर फ्लो को रोकना है इन्होंने, ठीक है। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो वो हाई एल्टीट्यूड से लो
अल्टीट्यूड तक का सारा एरिया कॉनिफरस फॉरेस्ट तो बेचारे कवर कर रहे हैं, राइट। और अभी हम मैप में भी देखेंगे कि कौन सा फॉरेस्ट कितने ज्यादा किस जगह पर है। गुड ब्रीडिंग एंड कंजर्विंग सेंटर्स फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर अपना हैबिटेट बना सकते हैं, ठीक है। बहुत यहाँ से उनको जो है ना उनके लिए फॉर्डर भी मिल सकता है। फॉर्डर मतलब खुराक कहते हैं एनिमल्स की, वैसे लाइफ स्टॉक की होती है खुराक फॉर्डर। और लाइफ स्टॉक में हम उन एनिमल्स को शुमार करते हैं जैसे कि कैटल्स, गोट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि उनको हम खाते हैं, तो वो वाला स्टॉक होता है हमारे लिए, एक अशिया है कंज्यूम करने के लिए। और लाइफ स्टॉक कहते हैं उनको कैटल्स वगैरह। लेकिन अदर देन कैटल्स, वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स लाइफ को भी ये प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट। अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट पर की अट्रैक्शन है फॉरेस्ट, एड टू द सीनिक ब्यूटी ऑफ द एरिया, ओके। सो दे जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है वो भी प्रोटेक्शन का काम देते हैं, लेकिन उनका प्राइम मकसद प्रोटेक्शन नहीं था। उनका प्राइम मकसद था, फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो लकड़ी के फर्नीचर बनाती है खुद अपने, उनके लकड़ियों वो दरख्त है, दरख्तों के फार्म लैंड बड़े बड़े जहां अपने दरख्त उगा, उस कंपनी को चाहिए कि वो अगर दो दरख्त काट रही है ना तो चार दरख्त लगाए भी, तो फिर काटेगी वो चार दरख्त इस्तेमाल कर लो, भाई दो दरख्त काट रही है तो चार पौधे लगा दे, ठीक है, दो दरख्त काट रहे तो चार पौधे लगा दे ताकि फ्यूचर कमिंग जनरेशन सस्टेन रहे, कंटिन्यूटी में रह पाए, ठीक है। तो ये मसला नहीं कि आप कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करो, लेकिन कमर्शियल यूज में इस्तेमाल करो एक बड़े बड़े दरख्त को और उसकी सैपलिंग्स लगाओ, उसके छोटे दरख्त जो है वो फिर प्लांट करो आप। अब मिसाल के तौर पे एक दरख्त है जो कि 5 साल लेता है उगने में, पौधे से दरख्त बनने में 5 या 10 साल लेता है पौधे से दरख्त बनने में, आप वैसा एक दरख्त अगर काट रहे हो तो अगला जो उसका पौधा लगाओगे वो 10 साल बाद पूरा दरख्त बनेगा। तो फिर आपके लिए बनता यह है कि आप एक दरख्त काट रहे हो अगर तो उसके बदले कितने दरख्त लगाओ, ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी एक्सपेक्टेड है, वो कैसे पता चलेगी, पीछे से पॉपुलेशन ट्रेंड से पता चलेगी कि आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, उससे आज से 30 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। तो एक पॉइंट था जब 10 करोड़ पॉपुलेशन थी, फिर 14 करोड़ हुई, फिर 18 करोड़ हुई, फिर 22 करोड़ हुई, तो आप कह रहे हो यार 4 करोड़ शायद और ऊपर हो गया, 10 साल बाद पॉपुलेशन जो है वो 26 करोड़ तक चली है, ठीक है, पाकिस्तान की 27 करोड़ तक चली है, 28 करोड़ तक, जो भी आपने एस्टिमेट लगाया। तो आपने कहा कि पॉपुलेशन अगर हमारी 10% से ग्रो होती है या 20% से ग्रो होती है मिसाल के तौर 10 साल में, तो हमारे अगर हम एक ट्री काट रहे हैं तो उसके बदले एक पूरा ट्री और मतलब एक पौधा और 20% साइज का एक पौधा कह लो, या फिर यूं नहीं करो 10 ट्रीज काट रहे तो उसके बदले 12 ट्रीज लगाएं, क्यों 10 ट्रीज ही लगाओगे तो 10 साल बाद उगेंगे वो पूरे दरख्त 10 साल बाद बनेंगे वो प्लांट्स, और 10 साल बाद पॉपुलेशन की डिमांड तो 12 ट्रीज की हो चुकी होगी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी। अगर आप 10 दरख्त काट रहे हो आज तो आप 12 पौधे लगाओ, और रिकमेंड ये करते हैं कि वो पौधे भी सर्वाइव करते नहीं करते ये भी मसला होता है, तो जो काट रहे हो ना दरख्त एक काट रहे हो तो उसकी जगह 2 लगाओ, डबल लगाओ, ये एक रिकमेंडेशन होती है। बहरहाल खैर, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिक स्क्रब फॉरेस्ट, रिवरेन बेला फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये 4 आ गए, इनके एरियाज लिखे हुए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अच्छा, टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोई बता सकता है ट्रॉपिक क्या होगा? इक्वेटर से जितने करीब की तरफ है वो सब ट्रॉपिकल है। इक्वेटर है, ये वाली लाइन क्या है? अरे ये वाली लाइन 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर है। ये वाली लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और नीचे इसी तरह की अगर मैं लाइन उठा लूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिलहाल हम ऊपर वाली लाइन की बात करते हैं, पाकिस्तान ऊपर वाली लाइन के तकरीबन उसी के तरफ से शुरू होता है, उसके बाद से अगर पाकिस्तान का ये वाला एरिया है, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे बताओ कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, हम जितना ऊपर जाते हैं उतना सब ट्रॉपिकल होता जाता है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल कहां पर होंगे और सब ट्रॉपिकल कहां पर होंगे? पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में रहते हुए मुझे ये बताओ कि ऊपर की तरफ मैंने 2 एरोस बनाए, तो इस एरो पे कौन सा होगा? जो ट्रॉपिक के सबसे ज्यादा करीब और ट्रॉपिकल दरख्त है, और जो ज्यादा दूर है वो सब ट्रॉपिकल है। तो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लिखा है ना, ट्रॉपिकल साउथ में होते हैं, पंजाब या साउदर्न, साउथ मतलब नीचे, साउदर्न बलूचिस्तान या सिंध, लोअर पंजाब मतलब साउदर्न पंजाब, सिंध और साउदर्न बलूचिस्तान, ठीक है, तो यूं भी कह सकते हैं लोअर इंडस प्लेन में और साउदर्न साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में, यहाँ पर ट्रॉपिकल आपके, और इनसे थोड़ा ऊपर चले जाओ तो सब ट्रॉपिकल हमारे फॉरेस्ट मिलेंगे आप। हिल्स एंड फर्टल्स ऑफ लोअर हिमालय, सुलेमान और करथर रेंज पे, सुलेमान करथर रेंज का है, बलूचिस्तान में तो है लेकिन साउदर्न बलूचिस्तान में नहीं, साउदर्न से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। वेस्टर्न माउंटेन्स जैसे कि वजीरिस्तान माउंटेन्स, और फिर पिशावर कोहाट, अबव मकरान कोस्ट, अच्छा अबव द मकरान कोस्ट रेंज भी सब ट्रॉपिकल आपको मिलेंगे। कह रहे ट्रॉपिकल तो मिलेंगे मकरान कोस्ट के आसपास मिल सकते हैं, मकरान कोस्ट के जो एरियाज हैं उससे ऊपर एरियाज हैं, ट्रॉपिकल तो होंगे ही होंगे, कुछ सब ट्रॉपिक आपको, कुछ सब ट्रॉपिक फॉरेस्ट्री जो है वो ट्रॉपिकल के साथ भी आसपास हो सकती है। और वो पता है फर्क करना मुश्किल होगा इसको, क्योंकि ये जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग हर चीज की इंफॉर्मेशन के बेसिक्स पकड़ लो, जो एक्सपर्ट्स हैं इन एरियाज के, फिर वो उस पर मजीद स्टडी करेंगे दरअसल खास फर्क क्या है कॉनिफरस फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल में, या कॉनिफरस और एल्पाइन में वगैरह। अच्छा जी, ये इनके एरियाज लिखे हुए हैं इस तरह से, रिवरेन और बेला फॉरेस्ट, उनके वो क्या यूजेस क्या है, इनके यूजेस वो सप्लाई कर रहे हैं फायरवुड। फायरवुड का ठंडे इलाकों में ये काम है कि घरों में वो लकड़ी जलाई जाती है, आग बनाई जाती है, इसके अलावा फायरवुड से थोड़ा बहुत
खैर वो इतना बड़ा मटेरियल इंपैक्ट नहीं डालेगा कि यहाँ से टूरिस्ट चलेगा, थोड़ा बॉनफायर कर लिया उसमें कितनी लकड़ी जाएगी, लेकिन रोजमर्रा का जिसका यूसेज है फायरवुड का, तो काफी लकड़ी उसमें चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे इन एरिया तक, ताकि वो जो लकड़ियां जला जला के अपना सर्वाइवल कर रहे हैं ना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी तो हमारे फॉरेस्ट भी बचेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी तो उन इलाकों तक पावर पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के हीटर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स लगा सकते हैं। हमारी बात क्यों गैस का फ्लो आप कहते हो कि ऊपर तक अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे या किसी भी जरिए गैस ट्रेवल करो तो गुड है, और नहीं कर पा रहे तो कम से कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही जनरेट हो जाए उन जगहों पर, सही ना। लेकिन फिलहाल फायरवुड उसके अंदर बहुत, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट काटे जाते हैं, फायरवुड बहुत बनता है उससे, और वाटर शेड प्रोटेक्शन और ग्रेजिंग पर्पजेस, मतलब वाटर का फ्लो को तोड़ते हैं, समझ लो अगेन वाटर के फ्लो को तोड़ते हैं, सरफेस रन ऑफ को बचाते हैं, तो प्रोटेक्शन का काम भी देते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनफैक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी यही काम देते हैं। ग्रेजिंग पर्पज, ग्रेजिंग कैसे कहते हैं, चराना, बकरियां, गाय, ऊंट, ये सब चराते हैं, जो घोड़े वगैरह ये सब यहाँ से अपनी खुराक कलेक्ट करते हैं इन फॉरेस्ट। रिवरेन, बेला फॉरेस्ट, ये रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास उगते हैं। जो रिवर के पास स्पेसिफिकली उग रहे हैं वो कौन से हैं, रिवरेन, बेला, रिवरेन और बेला फॉरेस्ट, इनके दो नाम है, रिवरेन या बेला फॉरेस्ट। तो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास ये उगते हैं। लीनियर प्लांटेशन अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, इनकी प्लांटेशन कोशिश करते हैं कि लीनियर हो, जैसे रिवर फ्लो हो रहा है ना उसी सीध में इनकी प्लांटेशन हो रही हो, ताकि रिवर का वाटर इनको पहुंच के इनको पानी देता रहे, इन वाले दरख्तों को, रिवरेन फॉरेस्ट को। मैंग्रोव्स कहाँ पर उगते हैं, डेल्टास पे, कोस्टल एरियाज पे, जहां पर पानी समंदर और दरिया का मिलना मिलने लगता है। अच्छा, डेल्टा और एस्चुरी का भी एक फर्क है, डेल्टा और एस्चुरी मतलब एक ही जगह पर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऊपर से रिवर वाटर आ रहा है तो ट्राइंगल जो बना रहे ना, तो ये उसका अपर कैप समझ ले डेल्टा, यहाँ से डेल्टा बनना शुरू किया, उस डेल्टा की वजह से बहुत सारे वो बन जाते हैं, छोटे 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 लैंड पीसेस बन जाते हैं, बीच में से पानी फ्लो रहा था, वो छोटे छोटे लैंड पीसेस क्या है, एस्टुअरीज, क्या है, एस्टुअरीज, ESTURIES, सही है। इनके यूजेस आप पढ़ेंगे कि ये मतलब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पहले, मैंग्रोव फॉरेस्ट उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, इनके लीव्स जो है थोड़े चौड़े होते हैं, वैसे पॉइंटी नहीं होते, नीडल लाइक नहीं होते इनके लीव्स, और श्रब कहते हैं, श्रब कहते हैं घास फूस को, तो ये घास फूस टाइप के होते हैं, तो इनके अपने यूजेस हैं, ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, ये मतलब इनमें से कुछ ना कुछ मटेरियल निकलते हैं, जड़ी बूटियां निकलती हैं जो फार्मास्यूटिकल के लिए भी इस्तेमाल हो, या किसी केमिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इसके अलावा लकड़ी यहाँ से मिलती है, फायरवुड यहाँ से मिलता है, वो तो पक्की पक्की बात है, फायरवुड मिलना, लकड़ी मिलना। इसके अलावा इनका और काम क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रोक सकते हैं, जो जो ऊपर वाले एरियाज पे दरख्त फॉरेस्टेशन हुई है ना, वो लैंडस्लाइड्स को भी रोकती है, उसकी वजह है कि लैंडस्लाइड अगर हो भी रही है ना, तो दरख्तों ने उस जगह को रोक के रखा हुआ है, वो पहाड़ पूरा रन ऑफ ना हो जाए, दरख्त कील की तरह घुसे हुए पहाड़ को रोक के रखे हुए, और फिर वाटर फ्लो अगर पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ और दरख्त ना हो तो वाटर कैसा सरफेस को रन ऑफ करे और कितने सारे पत्थरों को वीक कर दे, और बाद में वो पत्थर खुश्क होकर कैसे स्लाइड मारेंगे, तो पानी के साथ भी लैंडस्लाइड होता है और पानी ना हो खुश्की में भी लैंडस्लाइड हो जाता है। ये फॉरेस्ट और सारे लैंडस्लाइड के और उस सब के इंपैक्ट को रोकते हैं, तो सिर्फ वाटर फ्लो रोकना मकसद नहीं होता है, दरअसल बहुत सारे किस्म के नेचुरल हैजर्ड्स, वाटर फ्लो के फ्लडिंग को रोकते हैं, लैंडस्लाइड्स को रोकते हैं, अर्थक्वेक्स को रोकते हैं, अगर जहां पर फॉरेस्ट्री ज्यादा उगी हुई है वहां अर्थक्वेक्स भी कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि आपके अर्थक्वेक के जो जॉल्ट्स हैं वो दरख्तों के अंदर किसी तरह से स्प्रेड हो गए और कंज्यूम हो गए, दरख्तों की अपनी जड़ें इतनी अगर फॉरेस्टेड एरिया में फैली हुई है ना, तो नीचे से अर्थक्वेक का एक कोई इंपैक्ट ऊपर के सरफेस पे करना आसान नहीं होता, रेट गिर जा मतलब वो पॉसिबिलिटी गिर जाती है उस चीज की। ठीक है, अब इसमें लेकिन ये भी बात है कि ओवर पावर क्या चीज कर रहा है, बालाकोट में बहुत खराब जलजला आया था कश्मीर में, वहां तो इतनी फॉरेस्ट्री होगी, वहां तो इतनी ग्रीनरी होगी, द पॉइंट इज नॉट जस्ट दैट, वो है फॉल्ट लाइन जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिली हुई है, जहां से टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी पूरी प्लेट्स जिस तरफ से मिली हुई है, तो वहीं उस तरफ ज्यादा जाना खच्चा होता है अर्थक्वेक का, ये भी समझने वाली बात है, राइट। अब ये टेक्टोनिक प्लेट सोचोगे क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर, और दूसरी तरफ सबसे टॉप लेयर लिथोस्फेयर, ये मैकेनिक्स वाइज है, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मैंने कहा था कि हमारी प्लेट्स की मूवमेंट होती है, लिथोस्फेयर के नीचे वाले हिस्से में एस्थेनोस्फेयर में हमारी प्लेट्स की, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है कि वो पूरे पूरे पजल पीसेस की तरह अर्थ बनी हुई है और वो प्लेट्स जो है मूव होती है, तो प्लेट जो पूरी हमारी बनी हुई है वो तो पता नहीं साउथ अफ्रीका की तरफ थी पहले, वो कितने हजारों लाखों सालों में ट्रेवल होके यूरोपियन यूरेशियन जो प्लेट थी उसके साथ मिल गई और उस जगह पर बने हिमालयाज, हिमालयाज और कराकरम की रेंजेस बनी पहाड़ों, वरना पेंजिया पहले था, पेंजिया जो है उसमें हमारा नीचे था हिस्सा, ये इंडिया वाला हिस्सा, फिर वो प्लेट ऊपर आके इंडियन प्लेट आके जुड़ गई ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो ये जो जोड़ लगा है, जिस तरफ जोड़ लगा है वो वाली जगह फॉल्ट लाइन है, बस फॉल्ट लाइन के पास जो जगह होंगी ऑल्दो वो सारी ग्रीन है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, ग्रीन है, बहुत फॉरेस्ट है वहां पर, लेकिन वो फॉल्ट लाइन की वजह से इतना इंटेंसिव अर्थक्वेक आता है, अगर वो ग्रीन फॉरेस्ट्री ना हो ना तो और खतरनाक अर्थक्वेक्स हैं वहां। मैंग्रोव फॉरेस्ट का पढ़ना है, फिर आप लोगों ने इरिगेटेड फॉरेस्ट का पढ़ना है, अजान हो रही है, नमाज के बाद फिर हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, उसको मजीद
मजीद आगे देखेंगे। टाइप्स आपको नजर आ रही है, सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, स्क्रब या श्रब्स नुमा ये वाले शेप्स होते हैं जिसमें एकदम ही फूले हुए से आपको दरख्त और चट्टानों टाइप के नजर आ जाएंगे, चट्टानों के ऊपर दरख्त नजर आ जाएंगे बहुत सारे फूले फूले इस तरह से, वो कॉनिकल शेप टाइप के होते हैं। जबकि अल्पाइन फॉरेस्ट इस तरह से होते हैं, लंबे लंबे कॉनिकल शेप वाले। रिवरेन फॉरेस्ट कहाँ पर, इंडस रिवर के आसपास या जो भी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास होते हैं रिवरेन फॉरेस्ट। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल इस तरह के होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल और स्क्रब फॉरेस्ट वो हैं, और सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट ये भी यहाँ दोनों मिसाल है क्योंकि बहुत ज्यादा फैले फैले से होते हैं। ठीक है, अच्छा, इरिगेटेड प्लांटेशन इन पाकिस्तान, मतलब ये इरिगेटेड प्लांटेशन कौन सी होती है एग्जैक्टली? तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक टाइप जो है वो इरिगेटेड फॉरेस्ट्स की है, ठीक है ना। तो इरिगेटेड फॉरेस्ट जो है वो मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पेशीज आर प्लांटेड इन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द सेम स्पेशीज, शीशम, बाबुल, यूकेलिप्टस आर नॉर्मली प्रेफर्ड। तो ये प्रोवाइड, मतलब ये बाकायदा इनको प्लांट किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाया जा सके, सही। इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज कुछ पढ़ लेता, बाकी एडवांटेजेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा हैं आपको जो फॉरेस्ट की होती हैं। कुछ एडवांटेजेस मुख्तलिफ भी हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, ट्री प्लांटेशन की लोगों को अगर बाकायदा हमने इदारा बना दिया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये फायदा बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत सारे अंदर फायदे लिखे हुए हैं तो यू गाइस विल रीड फ्रॉम द बुक। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है आप अगर प्लांटेशन कर रहे हो, और अगर आपके इरिगेशन के रूट्स मजीद आपको क्रिएट करें तो और कैनाल्स बनाने पड़ेंगे या कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके जरिए पानी पहुंचा सकें। ट्रीज नीडेड टू बी मेंटेन्ड एंड टेकन केयर ऑफ, इन जगहों पे जहां पर वाटर फ्लो नहीं है, इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाना होता है, ट्री नेचुरली वाइल्ड ग्रो नहीं हो रहे, उनको मैनेज करना पड़ता है, बर्गर होते हैं थोड़े से, ठीक है। नीड इरिगेशन, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन लिमिटेड वाटर सप्लाई, कह रहे हैं इरिगेशन करनी पड़े तो इसका मतलब क्या कि आप वैसे ही आपकी जो वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रही है, लोगों के डोमेस्टिक यूज में हो रही है, इंडस्ट्रियल यूसेज में हो रही है इस्तेमाल, तो अब इसके लिए एक्स्ट्रा आप कैनाल्स बना के यहाँ भी वाटर पहुंचा रहे हो तो वाटर के ऊपर भी वाटर टेबल भी हमारा और ड्रॉप हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज वी आर इन एरिड एंड सेमी एरिड जोन, तो नेचुरली वैसे ही पानी नहीं है तो और दूसरी जगह पर पानी जा चाहिए, वो यहाँ पर डाइवर्ट कर दे तो उससे पानी में कमी आएगी, लेकिन देखिए हर जगह थोड़ा थोड़ा पानी जाए बांटना तो पड़ेगा, सही है। उसकी वजह क्या है कि वजह एक्सेस फ्लो वाला टाइम भी तो आता है जब वाटर फ्लड की तरह समंदर में जमा हो जाता है सारा, समंदर में पानी का जमा जितना जमा हो उतना ज्यादा नुकसान है, नहीं समंदर में पानी जाना चाहिए, अगर रिवर फ्लो कम हो गया ना जो समंदर में जा रहा है तो समंदर ओवरकम कर जाता है, और जब समंदर का पानी ओवरकम कर जाता है तो मरीन लाइफ जो कि फिशरीज जो कि उस वाटर के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं वो सारी मर जाती है, मैंग्रोव्स मर जाते हैं सारे, और समंदर का पानी फ्लड कर सकता है जमीन को, समंदर का नमकीन पानी जमीनों पर आ जाए अगर फ्लड कर दे और फिर वो भले दोबारा वापस चला जाए लेकिन जमीन को तो सॉल्टी कर जाएगा ना, वहां पर कुछ उग भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि समंदर का पानी आना अच्छा है, बहुत समंदर के पानी को टक्कर देने के लिए हमारे पास रिवर फ्लो होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। तो वही डैम्स को बनाने का नुकसान हमने ये भी तो देखा था कि रिवर फ्लो कम हो जाता है अगर साउथ की तरफ, तो कम रिवर फ्लो कम पानी पहुंचाएगा समंदर तक, और जब कम पानी पहुंचेगा समंदर तक और लो रिवर फ्लो हो जाएगा तो समंदर का पानी फिर वो ओवरकम करना शुरू हो जाएगा उन डेल्टास को, और वहां की जितनी लाइफ है वो तबाह हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े एरियाज बने होते हैं डेल्टास के जितने भी है, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा फिशरी फिश लाइफ होती है वहाँ, कई किस्म की छोटे मोटे लेक्स भी बने हुए होते हैं, इतनी सारे एस्टुरीज जो बनी हुई उनके दरमियान जहाँ पानी आसपास गुजर रहा है, तो एस्टुरीज में कितने किस्म के आपके वाइल्ड लाइफ होगी, सिर्फ फॉरेस्ट की नहीं वैसे दूसरी भी वाइल्ड लाइफ होगी, ठीक है, तो वो सबको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, ये डिसएडवांटेजेस हैं उसके लिए, उसके मतलब अगर आप इरिगेशन ट्रीज प्लांट कर रहे हो तो उसके डिसएडवांटेजेस भी थोड़े से, ताकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए काम आती है चीज के दोनों तरफ का नजरिया होता है। अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस बता रहे हो, डिसएडवांटेजेस भी तो बताओगे कि जिन एरियाज पर इरिगेशन ट्रीज की प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर्स रोड नेटवर्क्स नहीं गुजार सकते, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो वहां से इंडस्ट्रीज जो है वो अपने बिजनेसेस बंद करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी मैटर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज, अब ये एक डिसएडवांटेज में डाला हुआ है कि अब जब आप इरिगेशन के ट्रीज लगाओगे और बैन कर दोगे कि इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो मना है, तो अब उनको मैनेज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट रखनी पड़ेगी, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक तो बेनिफिट है कि एम्प्लॉयमेंट रख रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट ही ना निकल पाएगा, तो मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा हमें वो चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, बहुत सारा वर्कफोर्स चाहिए होती है, सिर्फ लगाना काफी नहीं होता, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ नहीं ऑपरेशनल कॉस्ट भी है कि मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है उन जगहों पर, हमारी बात तो नुकसान है यहाँ पर। और अगर फायर लग जाए, वो तो वाइल्ड फॉरेस्ट में भी फायर लग जाए कंट्रोल नहीं होती, लेकिन यहाँ भी अगर फायर लग जाए तो कंट्रोल कैसे होगी। अच्छा, फायर के बारे में ऐसा है कि हमें एक गाइड ने बताया था हमारे, कि जंगल की आग जो है ना, वो अगर जंगल में आग लग जाए तो
तो फिर वो कैसे बुझेगी? इट्स वेरी हार्ड. जंगल की आग तो मुहावरा बन गया इस पे, जंगल में आग की तरह फैल जाना किसी बात का. कोई बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जंगल की आग बहुत स्पीड से फैलती है. सो दिस इज ऑल, ये फॉरेस्ट्री है सारी, सारे फॉरेस्ट. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर फायर लगती है, खुदा ना खास्ता, वो स्पीड से पहुंचना शुरू हो जाएगी आगे. तो मकामी क्या करते हैं कि बहुत दूर दराज एरिया तक ये तो फॉरेस्ट है ना, अब ये दिखने में तो छोटा डिस्टेंस है, लेट सपोज ये पूरा ना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अब आग तेजी से फैले जा रही है, लोग क्या करते हैं कि खुद से बीच में से दरख्त काट देते हैं, खुद से. जहां तक आग नहीं पहुंची है ना, तो ये दरख्त काटने में एक टाइम लगेगा ना, लेकिन जब तक आग पहुंच रही है तो काफी दूर फासले से दरख्त थोड़े से खुद से काट देते हैं. और काटते नहीं, या तो काट देते हैं, खुद जला देते हैं, स्पीड से खत्म करते हैं दरख्त. वो कंट्रोल्ड फायर होती है. जब कंट्रोल्ड फायर लगा देते हैं ना, तो अब ये आग फैलेगी फैलेगी यहां तक पहुंचेगी, इसके आगे इसको ईंधन ही नहीं मिलेगा. ईंधन मतलब कहाँ, क्या कहाँ लगेगी आग, वो तो कट गए तुम्हारी. तो इस तरह से बुझाते हैं, मतलब आग को मैनेज करते हैं जंगल के लोग, गांव गोड के लोग, या उन जगहों के लोग जहां पर जंगलात हैं. राइट. सो अच्छा, हम आ जाते हैं फिर मजीद आगे कि अगर यूनिट की बात करें कि फॉरेस्ट को हम किस यूनिट के अंदर देखते हैं. हर चीज का एक अलग यूनिट है, तो फॉरेस्ट को अगर नापना है ना, तो मैं यू बना लेता हूँ, चलो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. ये एक पूरा समझ लो हेक्टर है. क्या है एक पूरा? क्या है? एक हेक्टर है, स्क्वायर नहीं बना हुआ, स्क्वायर शेप का होता है. एक हेक्टर मतलब एच ए, हेक्टर को डिनोट करते हैं हम एच ए से, हेक्टर. एक हेक्टर कितने के, कितने, एक हेक्टर स्क्वायर में होता है पूरा, ये स्क्वायर का हिस्सा हेक्टर कहलाता है. ये वन डायमेंशनल नहीं होता हेक्टर, हेक्टर टू डायमेंशनल होता है. तो ये पूरा पीस एक हेक्टर है. ये पूरा पीस क्या है? एक हेक्टर है. और किस कितने के बराबर है? 100 मीटर नीचे की एक डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन 100 मीटर. आप ये कह सकते हो कि एक हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि 100 मीटर इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो इस डायमेंशन से, तो टू डायमेंशन हो गई ना. तो एरिया निकला है 100 मीटर स्क्वायर का, जो एरिया है वो एक हेक्टर के बराबर होता है. क्लियर है? और भाई एक बात यहाँ याद रखना, कि गलती से आप इसको ये मत समझ लेना कि ये 10,000 मीटर स्क्वायर्ड है ना, तो जरा भाई 3 जीरो अगर मैं काट दू तो ये कहलाया 10 किलोमीटर स्क्वायर. भाई वो 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो उसको दो दफा डिवाइड करना पड़ेगा 1,000 से. एक दफा नहीं, दो दफा. 10,000 अगर 10,000 को एक दफा 1,000 से डिवाइड करोगे तो आपके किलोमीटर में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टू डायमेंशन के बाद निकला है. तो एक डायमेंशन एक दफा आपने खाली डिवाइड किया, एक और दफा 1,000 से डिवाइड करो, समझ आ रही है? तो एक और दफा 1,000 डिवाइड करोगे तो 1.1 तो 0.01. तो 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0001 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना. क्लियर है? चलो भैया मुझे बताओ, 1 हेक्टर इज इक्वल टू, हेक्टर तो होता है टू डायमेंशनल है, स्क्वायर नहीं लगा ना, ये तो यूनिट ही टू डायमेंशनल है. किसके बराबर है? 10,000 मीटर स्क्वायर के, जो कि किसके बराबर है? 0.01 किलोमीटर स्क्वायर के. हमारी बात ठीक है ना? या आप चाहो तो आप 10,000 मीटर स्क्वायर को यूं भी डिवाइड कर सकते हो, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, तो ये किलोमीटर, ये 1,000 मीटर 1,000 मीटर, तो भाई तो क्या बन गया? 1,000,000 मीटर. तो जब 10,000 मीटर स्क्वायर को 1,000,000 मीटर से डिवाइड करेंगे ना, तब जाके हमारा किलोमीटर में आंसर फिर सही आएगा, जो कि 0.01 किलोमीटर. फिर कह सकते हो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, एक दफा 1,000 से डिवाइड करके नहीं हो जाएगा. अच्छा, तो हेक्टर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये एक हेक्टर जो है वो 0.01 किलोमीटर स्क्वायर कह लो या 10,000 मीटर स्क्वायर कह लो, एक हेक्टर. तो पाकिस्तान की जो फॉरेस्ट्री है पूरे, उसमें से सबसे ज्यादा शेयर जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के पास है फॉरेस्ट्री का. और इस डेटा के तहत सिंध के पास सेकंड नंबर पर है फॉरेस्ट्री का, जितना भी वो है शेयर है. 31% शेयर जो है ना पूरे पाकिस्तान की, जितनी भी फॉर आपको 4.8% तो फॉरेस्ट है खाली. 31% कैसे हो भाई? पूरे पाकिस्तान का 4.8% फॉरेस्ट है. अब उस 4.8% को आप समझो, ये खुद पूरा 4.8% अगर 100% हो, तो उस 100% का 31.8% किसका है? क्या खैबर पख्तूनख्वा का है. अगर आप पूरे पाकिस्तान का जो एरिया है उसको निकालोगे, तो उसमें से सिर्फ इतना फॉरेस्ट है. लेट्स सपोज, अब ये जो सिर्फ इतना वाला एरिया है ना, ये ट्रायंगल, सिर्फ इतना वाला एरिया, इस एरिया का 30% ये वाला एरिया, ये किसके पास है? केपी के पास है. 24% लेट्स सपोज इतना वाला एरिया, ये किसके पास है? सिंध के पास है. ठीक है ना? तो कभी कोई कहे ना कि मेरे पास 20, मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपए में से, तो 10,000 में से अगर मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा तो कितना होगा? 2,000 रुपए. इसमें से मैं 40% मेरे दोस्त को दूंगा, समझे? अब आपको 20% तुझे प्रॉफिट हुआ है और 40% दोस्त को दोगे, कैसे पॉसिबल है भाई? जो 20% प्रॉफिट के बाद आंसर निकलेगा उसका 40%, ऐसे पॉसिबल है? वैसे ही 4.8% जितना एरिया पूरे पाकिस्तान के पूरे एरिया का 4.8% जो है वो क्या है? फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट. उस फॉरेस्ट का 31% हिस्सा कहाँ है? केपी के में. 24% क्या है? सिंध में. 17-18 पता नहीं क्या, 18% के करीब कहाँ है? पंजाब में. ठीक है भाई, तो ये डाटा के इसको रिकन्फर्म किया जा सकता है इस डाटा को, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन को. माइंड कहता है कि यार पंजाब में ज्यादा होगी फॉरेस्ट, स्टिल वो चेक किया जा सकता है बाद में. फॉरेस्ट इन पाकिस्तान रेंज फ्रॉम अल्पाइन फॉरेस्ट से, अभी पूरा हम पढ़ोगे कि क्या इनकी अल्पाइन फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इरिगेटेड भी है. ठीक है, और डेंसिटी एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो 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 डेंसिटी
डेंसिटी कितने डेंसली, एक तो है पूरे एरिया में आपका फॉरेस्ट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखो कॉनिफ्रस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, ये सारे ग्रीन वाले कॉनिफ्रस है। कहां से पता चला? लेजेंड से। ये लेजेंड कीज होती है, किसी भी ग्राफ के साइड में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है होती है लेजेंड कीज। ये लेजेंड है हमारे एल्पाइन, ये वाले देख लो ये एल्पाइन है सारे, हाई हाई लैंड्स के ऊपर, हाई लैंड्स पे जो होता है वो एल्पाइन होता है, ठीक है। कॉनिफ्रस कहां है? ये ग्रीन वाले एरिया, ठीक है ना, ये कॉनिफ्रस है। सब ट्रॉपिकल ये वाले सारे ऊपर ऊपर तक भी जा रहे हैं थोड़े से, ये सारे सब ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल जो है वो ये वाले सारे, ये भी ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देख लो, मिलते मिलते फॉरेस्ट ही है ये। अच्छा, जो उसके पास है जो पूरे रिवर के साथ चल रहे हैं, जैसे ये वाले जो रिवर के ऊपर प्लांटेड है वो कौन से होते हैं? बेला, रिवरेन या बेला, एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी कोस्ट के ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं? ये जैसे ये वाले और ये वाले मैंग्रोव्स। ये आप डिटरमिनेंट्स का मतलब ये होता है, फॉरेस्ट को डिटरमाइन हम कैसे करेंगे और डिटरमिनेंट्स डिटरमाइन कैसे करेंगे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट कहाँ पर लॉजिकली होते हैं और किस तरह के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है जगह के एल्टीट्यूड पे। जैसी जगह होगी वैसे वहां फॉरेस्ट होंगे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स होंगे तो अल्पाइन होंगे, और ऐसे उससे थोड़े लो होंगे एल्टीट्यूड जो बिल्कुल स्नो स्नो लाइन के नीचे के हैं, स्नो लाइन के नीचे से लेकर और लोअर एल्टीट्यूड तक जाते हैं, तो वो वाले हमारे कौन से? कॉनिफ्रस हैं। और स्नो लाइन पे या स्नो लाइन से ऊपर तक थोड़ा सा जा सकते हो कौन से वाले? अल्पाइन है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के फॉरेस्ट एल्टीट्यूड्स के ऊपर बेस करता है। फिर इसके अलावा सॉइल की टाइप पे भी डिपेंड करता है, पानी की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब मैंग्रोव्स हैं वो वाले फॉरेस्ट का पानी के साथ, मतलब वहां पर डेल्टास पे उगते हैं वो, ठीक है। मैंग्रोव्स के जितने भी स्क्रब्स हैं वो फैले हुए फॉरेस्ट, या फिर हमारे जो सब ट्रॉपिकल स्क्रब्स हैं, मतलब फैले हुए जो फॉरेस्ट हैं, ये सारे इनके अलग अलग जगहें हैं, ये अलग अलग टाइप के सॉइल पे उगते हैं, कोई प्लेन एरियाज पे उगते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कॉनिफ्रस और एल्पाइन फॉरेस्ट वो स्लोपी ग्राउंड पे भी उग सकते हैं, लेकिन ये नहीं उग सकते स्लोपी ग्राउंड पे, ठीक है। और फिर इनकी रूट्स और उनकी रूट्स में फर्क क्या? इनकी डीप होती है, जो प्लेन एरियाज पे फॉरेस्ट होते हैं ना, क्योंकि हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, और इरिगेशन के जरिए अगर पानी नहीं पहुंचा हुआ तो कहां से लाएंगे पानी? वो दरख्त वो गहराई में जाके जमीन के अंदर से ग्राउंड वाटर तलाश करेंगे, सही है। तो उनकी रूट्स डीप होती हैं, सब ट्रॉपिकल के और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की रूट्स क्या होते हैं? डीप होती है, वो डेप्थ तक जाती है। रिवरेन फॉरेस्ट की रूट्स डीप होंगी? नहीं यार, उनको तो रिवर वाटर मिल रहा है ना, क्लियर है। तो ये आपके डिटरमिनेंट्स हैं फॉरेस्ट के। इसमें कुछ इस तरह की टर्म्स भी आएंगी, जैसे एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कि जिस तरह के टाइप होगी सॉइल की, अगर किसी जगह पर कहीं फॉरेस्ट कोई स्पेसिफिक टाइप का सॉइल, नरम मिट्टी में अच्छा उगने वाला कोई फॉरेस्ट है और किसी जगह पर नरम मिट्टी मौजूद भी है और वहां पर रिक्वायर्ड वाटर रिक्वायर्ड सनलाइट भी आती है, तो वहां पर बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट बन सकता है। वहां बहुत डेंसिटी के साथ, मतलब एक दूसरे में घुसे हुए फॉरेस्ट होंगे, समझो इतने काफी ज्यादा वहां पर जो है ना उनको खुराक मिल रही है हर तरह की। ये कॉनिकल शेप में फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट होगा? ये फॉरेस्ट कह रहा हूँ, दरख्त है, कौन सा दरख्त होगा? एल्पाइन या ऐसे कोन के लफ्ज से पकड़ो यार, कॉनिफ्रस। अच्छा, ये नहीं सोचा, कॉनिफ्रस फॉरेस्ट जो है ना उनके ज्यादातर कॉनिकल कोन जैसे शेप के होते हैं, कॉनिफ्रस। ओके, तो ये नॉर्दर्न एरियाज में उगते हैं, ये हमने देख लिया सब पीछे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली। क्या लिखा है? दरख्त लगाओ मरी बचाओ, डब्बे पे लिखा है। हाउ डू मैंग्रोव ट्रीज सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर? क्यों ये सवाल क्यों पूछा गया? बाकी दरख्तों के साथ ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? समंदर के करीब होते हैं ना मैंग्रोव, उन एस्टुअरीज में होते हैं जहां पर समंदर का पानी भी आ रहा है, दरिया का पानी भी आ रहा है। तो भाई ये कब से चल रही है जिंदगी? इनकी जिंदगियां तो बहुत पहले से, इंसान बाद में है, तो ये दुनिया बहुत लाखों साल पहले की है, तो वहां से ये इवॉल्व किए हैं इन दरख्तों ने, मैंग्रोव के ट्रीज ने एवोल्यूशन किया है। भाई ये जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते हैं ना वक्त के साथ साथ, तो हर किस्म का हैवान या हर किस्म का फल फूल पौधा, ये सब कुछ दरख्त वगैरह ये इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ, वक्त और कंडीशंस के साथ। अब जैसे कि ये मैंग्रोव ट्रीज जो है ये इवॉल्व ऐसे हो गए कि दे आर गुड एट गेटिंग रिड ऑफ सॉल्ट वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। एक्सेसिव सॉल्ट वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए गेट रिड ऑफ कर लेते हैं, अपने अंदर अपने अपने जो है ना उनकी बॉडी में से ट्रांसपरेट हो जाता है वो पानी, ठीक है, और वो फिल्टर आउट कर लेते हैं और खाली उनके लिए जो सी वाटर सॉल्टीनेस है उसको फिल्टर आउट करके जो उनके लिए काम के इंग्रेडिएंट्स और काम के मिनरल्स है वाटर में से खाली वो एब्सॉर्ब करते हैं, एंड दे आर गुड एट डूइंग दैट, क्योंकि उन एरियाज में रहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ठंडे इलाकों में हम जाते हैं, अगर थोड़े से ठंडे इलाकों में हम तो जैकेट वैकेट क्या क्या पहन लेते हैं, लेकिन वहां के मुकामी लोग वही एक शाल में रहते हैं, वो वहां के लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर गए। अच्छा, वहां कंडीशंस हार्श हो जाए तो क्या करेंगे? वो वहां कंडीशंस हार्श हो जाएगी तो वो लकड़ी वकड़ी जला के अपना गुजारा कर लेंगे, फिर है। तो इनका भी यही है, दरख्त भी ये अपनी समझदारी से ही चलते हैं। सनफ्लावर को देखें, जहां सूरज होता है, सूरजमुखी का जो सूरज को देख रहा होता है, जहां जहां सूरज की डायरेक्शन होते हैं उस हिसाब से फ्लावर मूव हो रहा होता है। तो कभी इंसान कह सकता है यार कितनी अमेजिंग चीज है, क्यों अमेजिंग चीज है, अमेजिंग होनी चाहिए, लेकिन ये कुदरत में जिस तरह आप चल सकते हो बढ़ सकते हो, तो पौधे फूल ये भी अपनी जगह। बेल बेल कैसे घूमती है? बेल को क्या पता कि तार गोल है, उसके ऊपर गोल गोल घूमना, सीधी भी जा सकती है, दैट्स अ लिविंग थिंग। तो मैंग्रोव्स भी
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनके अंदर आ गए, सर्वाइवल टैक्टिक्स आ गए, तो ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव कर जाए। लेकिन ये जरूर है कि इनके लिए जो ज्यादा इनके हैबिटेट के लिए अच्छा यही है कि डेल्टा के अंदर पानी आता रहे ताकि मैंग्रोव डिस्ट्रॉय ना हो। तो डेल्टा का वाटर फ्लो अगर कम हो जाता है तो क्या होगा, मैंग्रोव डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये वाली बात है, तो क्रिटिकली सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं कोई भी डिसीजन लेते वक्त। मैंग्रोव्स के जो जो ट्रीज है वो इवॉल्व किस तरह हुए, देखो इनके घुटने बाहर निकल आए, ये मैंग्रोव की नीज कहलाती है, इनकी रूट्स की ये नीज बाहर निकल आए गोल गोल। तो ये जो है ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इनकी ये वाली इस तरह की रूट्स जो है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट बिलीव दैट द मैंग्रोव नीज एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड फनल इट टू द रूट्स बिलो। बाकी इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है मैंग्रोव ट्रीज को। वैसे तो आप कहोगे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो भाई वो दिन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को एक्सर्ट करते हैं, लेकिन रात में तो वैसे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स भी। लेकिन ये मैंग्रोव्स, फिर हर ट्री का एक अपना अलग सिस्टम है, ये नहीं है कि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे होते हैं। ऐसे भी ट्रीज होते हैं जो बत्ती लो लाइट में भी चल जाते हैं, मतलब घर के अंदर की ट्यूबलाइट जली हुई है ना, उससे भी अपनी जो है खुराक बना लेंगे। ऐसे भी ट्रीज होते हैं, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मैंग्रोव्स को। तो इनके घुटने बाहर आ रहे हैं और ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये कहलाते हैं मैंग्रोव नीज। अच्छा, बाकी कोई अगर बॉटनी का एक्सपर्ट है वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं बॉटनी कैसे प्लांट्स वगैरह की, ठीक है, स्टडी को। सो हाउ डू दे सर्वाइव, मैंने आपको इसका वो बता दिया और पीछे काफी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ स्टोरीज वगैरह के हवाले से, तो आप पढ़ोगे समझ में आ जाना है। मैंग्रोव द कोस्टल वेल्थ ऑफ पाकिस्तान। कोस्टल वेल्थ क्यों, कोस्ट के पास है ना, कोस्ट के पास के जखायर। दुनिया के पांचवें नंबर पे पाकिस्तान का मैंग्रोव का इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एनवायरमेंट का सिस्टम। तो मैंग्रोव का, मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो एनवायरमेंट है पाकिस्तान का, वो दुनिया भर के मैंग्रोव के अंदर पांचवें नंबर पे आता है, ठीक है। थ्रेट्स हैं इसको, क्या थ्रेट्स हैं चेक करो, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, रिवर इंडस में अगर बैराजेस और डैम बनेंगे तो क्या होगा, रिवर इंडस का जो रिवर फ्लो है वो पूरे तौर पे जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ सिल्ट है, मिनरल्स से भरा हुआ जो सिल्ट है, वो नहीं पहुंचा रहा अगर डाउनस्ट्रीम, और वाटर फ्लो भी कम है, तो मैंग्रोव्स का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा जो भी सिटी का वेस्टेज है, सीवेज डंप हो रहा है, तो वो मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचा रहा है, पॉइजनिंग कर रहा है, तो इसी वजह से मैंग्रोव्स की ग्रोथ भी स्टंटेड हो रही है। WWF क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनकी एफर्ट्स है कि रीप्लांट करें मैंग्रोव ट्रीज को। तो इन्होंने सैपलिंग्स, बाकायदा सैपलिंग्स लगाने के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और लिखा हुआ जैसे इसके इनके प्रोजेक्ट्स का, इन्होंने दो मैंग्रोव नर्सरीज भी बनाई है, ठीक है, और 10,000 सैपलिंग्स मतलब वो छोटे पौधे वगैरह, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, सैपलिंग्स इन्हें कहते हैं छोटे पौधों को, तो वो सैपलिंग्स लगा रहे हैं मैंग्रोव्स के, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया को प्लांटेशन के जरिए कवर कर रहे हैं। फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि फॉरेस्ट हमें जो प्रोडक्शन वाइज प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है वो क्या प्रोडक्ट्स फराम करते हैं, टिम्बर, फ्यूल वुड, और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट्स जो कि हमें किसी किस्म के मेडिकल या केमिकल पर्पसेस के लिए काम आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है रेसिन। रेसिन जो है वो प्लांट का वो टिश्यू है जो कि होता गीला है, लेकिन हवा के अंदर आए तो वो सूख के जम जाता है। तो इट वुड बी यूजफुल इन मेनी थिंग्स, ग्लूज वगैरह में भी काम आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वार्निशेस बनाने के लिए काम आता है। वार्निश वो जो लकड़ियों के ऊपर हम जो है ना वो करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म के लेकर पॉलिश वगैरह, उनको बनाने के लिए काम आता है ये रेसिन। इसके अलावा मजरी इज अनदर प्रोडक्ट दैट इज यूज फॉर मेकिंग मैट्स, बास्केट्स एंड फॉर पैकिंग पर्पजेस। तो जितने भी पैकेजिंग, पैकेट्स बनाने की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, उनके अंदर काम आती है मजरी, एक कंपोनेंट है। एफेड्रा ये मेडिसिनल श्रब है, मतलब श्रब वही घास फूस टाइप की जो चीजें होती है उस तरह के, ये मेडिसिनल इशू मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसको यूज करती है। डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, इसके बाद अब आता है डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान का टॉपिक, तो इस टॉपिक को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। 5 पेजेस और रह गए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, क्लास हमारी एंड होती है यहाँ पर।